नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। बीएसपी और भाजपा पार्टी को छोड़ 50 कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ सदस्यता ली है और आज भोपाल स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निवास पर दतिया जिले के वरिष्ठ भाजपा और भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी दतिया के अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। कमलनाथ के निवास पर सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई है, जिसमें प्रमुख रूप से दतिया जिले के वरिष्ठ बसपा नेता और स्वामी शरण दांगी के सुपुत्र लोकेंद्र सिंह दांगी, महिपाल सिंह गुर्जर, राकेश खरे, एडवोकेट बुद्धम सिंह यादव, राजा सिंह यादव, रमाकांत पाठक, सुग्रीव यादव, उन्नाव मुन्ना मंसूरी, भांडेर सुरेंद्र श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह दांगी, वीरेंद्र सिंह दांगी, सुरेंद्र सिंह दांगी, नरेश यादव, किशोरी शरण पाल्या, राम मिलन दांगी, सुरेश दांगी, लखन रजक, धर्मेंद्र यादव कसोली, मनोज कुशवाहा और जगराम सिंह, एडवोकेट अनिल दांगी, गंगाराम अहिरवार, रविंद्र रब्बू, बाबू भूरे, रवि राजा, अनिल गुर्जर, ब्रजेंद्र उम्मीद, हनुमान राजकुमार, राजकुमार कुशवाहा, गिन्नी दांगी, रचित सनी, वेदेही शरण, मनोज पाल, गज्जू अहिरवार, शंकर दांगी, विनोद करण, लक्ष्मी नारायण, जगदीश कुशवाहा, आकाश कुशवाहा आदि ने कमलनाथ द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तत्पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पहुंचकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक सिंह, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब और संगठन प्रभारी राजीव सिंह से मुलाकात की है। पूर्व विधायक राधेश्याम राधे लाल बघेल ने वहाँ मौजूद थे और सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को तन मन धन से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।